दोस्तों, आज हमारा मुख्य टॉपिक है लोकस कैरुलस। लोकस कैरुलस हमारे ब्रेन का एक छोटा सा स्थान है, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है मनुष्य के अटेंशन सिस्टम को कंट्रोल करने में। अटेंशन सिस्टम में आ जाता है अलर्टिंग यानी फास्ट रिएक्शन, ओरिएंटिंग यानी प्रायोरिटाइज करना पर्टिकुलर स्थिति को, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल यानी एरर मॉनिटरिंग तथा कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन या रिजोल्विंग। ये सारी चीजें एक्ट करता है लोकस कैरुलस, कंट्रोल करता है लोकस कैरुलस। लोकस कैरुलस इस काम के लिए नोरएड्रेनालिन नामक हार्मोन को स्त्राव करता है यानी प्रोड्यूस करता है। नोरएड्रेनालिन को रासायनिक संदेशवाहक भी कहा जाता है, या ऐसा कह देते हैं कि नोरएड्रेनालिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है। इट गेट्स अवर बॉडी एंड माइंड रेडी फॉर एक्शन, ये हमारे शरीर को एक्ट करने के लिए बाध्य कर देता है। साधारण अवस्थाओं में तो ये बड़ी साधारण मात्रा में बहता है, प्रोड्यूस होता है, लेकिन जब एक्सट्रीम प्रेशर हो जाए या खूब स्ट्रेस हो जाए, टेंशन वाली बात हो जाए, तब नोरएड्रेनालिन एड्रेनालिन के साथ मिलता है और हमारे शरीर में दिल की धड़कन बढ़ जाती है यानी हार्ट की पंपिंग तेज हो जाती है। उसका परिणाम क्या होता है कि हम ऊर्जावान महसूस करते हैं और हम ऐसा कार्य कर जाते हैं जिसे हमने कभी जीवन में भी नहीं सोचा होता। इस तरह का हम बहादुरी का काम, चैलेंजिंग काम बड़ी आसानी से पूर्ण कर लेते हैं। लोकस कैरुलस सिर्फ यही कार्य नहीं करता, लोकस कैरुलस का प्रभाव वेगस नर्व के ऊपर भी पड़ता है। दोस्तों, जो वेगस नर्व है ये हमारे मस्तिष्क से शुरू होती है यानी ब्रेन से स्टार्ट होती है, फिर गला, फेफड़े, हृदय, किडनी, लीवर, स्प्लीन, गाल ब्लैडर, छोटी आंत, बड़ी आंत, पेट आदि हर हिस्से में जाती है। इसका अर्थ है कि वेगस नर्व की पहुंच हमारे शरीर के हर महत्वपूर्ण भाग पे है। अब इन लोकस कैरुलस है जो प्लस वेगस नर्व है, इनके साथ साथ जरूरत पड़ती है सिनेप्टिक कनेक्शंस की, जो हमारे शरीर को मैसेजेस भेजते हैं। उसके लिए क्या चाहिए? सिनेप्टिक कनेक्शंस। लेकिन ये सारी चीजें कंट्रोल कहाँ से होती हैं? हमारी सांस द्वारा। हम अगर छोटा सांस लेते हैं, जैसे हम लोग गुस्से में हों बड़े तो बड़ी जल्दी जल्दी सांस आता है, और साधारणतः देखा गया है कि हम लोग क्योंकि सांस की तरफ ध्यान नहीं दे पाते तो हमें पता भी नहीं चलता कि हम किस तरह से सांस ले रहे हैं। और अगर हम ध्यान दे पाए, देखेंगे कि हम तो हर समय अनजाने में जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। और जो लोकस कैरुलस है, इसमें जो नोरएड्रेनालिन प्रोड्यूस होता है, इसका संबंध है हमारी सांस से। अगर हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं तो ये पंप जो लोकस कैरुलस है, इसका मुख्य कार्य क्या है? अलर्टिंग, अटेंशन सिस्टम की तरफ ध्यान देना। उस तरफ नहीं ध्यान दे पाता ये। ये क्या करता है कि जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा शरीर में बढ़ी तो ये बोल देता है ऑक्सीजन चाहिए, सांस लो सांस लो सांस लो। तो हम भी कर देते हैं। अब जब सांस ले रहे हैं तो फिर क्या होगा? लोकस कैरुलस का क्या काम था? अटेंशन सिस्टम को कंट्रोल करना। उस तरफ ध्यान नहीं दे पाता लोकस कैरुलस। लेकिन क्योंकि हमारी सांस बढ़ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का द्वंद चल रहा है, सांस एकदम से बढ़ी हुई है, लोकस कैरुलस का उस तरफ ध्यान है, लेकिन जो हमारा नोर एड्रेनालिन प्रोड्यूस हो रहा है उसकी मात्रा, क्योंकि हम उपयोग ही कुछ नहीं कर रहे उसका, उसकी मात्रा बढ़ती चली जाती है। जब शरीर में नोर एड्रेनालिन की मात्रा जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए तो क्या नुकसान होगा? हमें क्रोध आएगा बिना मतलब, हड़बड़ाहट हो जाएगी, जल्दबाजी करेंगे, याददाश्त की कमजोरी हो ही जाएगी, क्योंकि नोर एड्रेनालिन जब दिमाग में बढ़ जाएगा हम एक्टिविटीज बढ़ा देंगे, हमारी कंसंट्रेशन ही नहीं बन पाएगी। ये सब और परिणाम करता है क्या किसके ऊपर? लीवर, लीवर की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, किडनी, हृदय, स्प्लीन, गला, फेफड़े, इन सब चीजों के ऊपर, हमारे पेट के ऊपर इसका खूब असर पड़ता है। क्यों? क्योंकि लोकस कैरुलस का पूरा कनेक्शन होता है वेगस नर्व के साथ। इन सब को जोड़ने वाली होती हैं सिनेप्टिक कनेक्शंस। जब हम छोटी छोटी सांस लेते हैं तो ये हमारे जो सिनेप्टिक कनेक्शंस हैं उनको कमजोर कर देती है। क्या? हमारी छोटी सांस, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और जल्दी जल्दी करना पड़ता है तो उसका यूज बड़ा ज्यादा हो रहा है, रिएक्ट कर रहा है बड़ी जल्दी, तो कमजोर भी हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम लंबी सांस लेना शुरू करते हैं, गहरी सांस लेना शुरू करते हैं, डीप ब्रीथिंग, अब यहां तो मैं सिर्फ आपको बताने के लिए गहरा लंबा सांस बता रहा हूं, आपको आवाज आ रही होगी, लेकिन हमें अपनी दिनचर्या में इसको इस तरह शामिल करना है कि हमें इसके लिए एक्स्ट्रा जोर ना लगाना पड़े, एक्स्ट्रा ताकत की जरूरत ना पड़े। अगर आप ऐसा करेंगे 40 दिन आप करके देखिए और उसका परिणाम देखिए, क्योंकि लंबी सांस लेंगे तो आपके, मैंने जो
कारण बताएं, जो जो हमने इसके अंग बताएं हमारे शरीर के, उन सब के ऊपर बड़ा सकारात्मक असर होता है। करके देखिएगा, अपना अनुभव शेयर भी करिएगा।